बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके साथ जी खरूजन हाई एंड आप हरूब एंड मतलूब एंड अगर आप डी पोड होते हैं इन तमाम के ऊपर यानी कि जो डिटेल है वो शेयर कर दूंगा मैं। एक हाल ही में यानी कि हाल से मुराद ये है कि कुछ दिन पहले ही एक भाई साहब की तरफ से मुझे व्हाट्सअप के ऊपर, जैसा कि मैं नंबर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ मुख्तलिफ वीडियोज़ में या कमेंट्स वगैरह में, तो एक भाई साहब की तरफ से मुझे ये मैसेज किया गया कि मैं साए खास था और बाहर काम करते हुए पकड़ा गया और मुझे डीपोर्ट किया गया तो मेरे ऊपर कितनी पाबंदी होगी। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि साए खास एंड अमल मंजली एंड हारस जो दीगर खादमें वगैरह होती हैं आपको पता है जी, तो ये अगर बाहर काम साला साल लोग चलते हैं। मैं बहुत से दोस्तों को जानता हूँ, मेरे खुद से दोस्त हैं, मैं जानता हूँ उनको साला साल लगे हुए हैं, लेकिन ये इस चीज़ से उस भाई के जो मुझे मैसेज है उनसे ये कन्फर्म होता है कि जब कभी ये हाथ लग जाएं और आगे से छुड़ता भी सख्त हो तो वो छोड़ता नहीं है फिर, चाहे इकामा मौजूद ही हो। ज़्यादातर मैंने देखा छोड़ देते हैं, इकामा एक्सपायर हो तो फिर मुश्किल होती है। ठीक है जी, तो अभी बात कर लेते हैं जी। आप जो के डीपोर्ट होते हैं सऊदी अरेबिया से, अगर जेल के थ्रू कोई भी बंदा आ रहा है जी, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ डिटेल। जो भी जेल के थ्रू बंदा सऊदी अरेबिया से डीपोर्ट होता है, ये क्लियर बात है जी, उसके ऊपर बैन होता है 5 साल। जो छुट्टी पर आए नहीं जा सके, जैसा कि कोरोना में बहुत से बंदे फंस गए और वापस नहीं जा, उनके ऊपर 3 साल पाबंदी है जी। ठीक है, उसके अलावा 5 साल की पाबंदी वो भी बहुत कम बंदों के ऊपर होती है, ऐसा नहीं कि होती नहीं है, बहुत कम बंदों के ऊपर 5 साल की पाबंदी होती है, वरना लाइफ टाइम के लिए बैन होते हैं। ठीक है जी, जो बंदा सऊदी अरेबिया से डी बोर्ड जेल के रास्ते आता है वो लाइफ टाइम के लिए बैन होता है। ये मैं अभी क्लियर कर दूं आपको, ये सऊदी अरेबिया के न्यू कानून के मुताबिक कुछ ऐसे केस होते हैं जिनमें 5 साल की पाबंदी हो, वरना लाइफ टाइम के लिए बैन होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देख लें जी। इसमें जी तरहील जो कि पिछले 6 दिनों के अंदर 10,335 अफराद सऊदी अरेबिया से तरहील यानी कि जेलों के थ्रू अपनी कंट्रीज़ में वापस भेजे गए, इनमें इकामा एक्सपायर वाले और इनमें हरूब वाले पकड़े गए, इनमें जो बाहर काम करते हो जैसे कि साए खास अमल मंजली वगैरह वाले वो पकड़े गए, वो तमाम इसी ज़ुमरे में आएंगे। अगर कोई सफारा से खरूज लगवा कर जा रहा है या हरूब वाला सफारा से जा रहा है ये शमेसी वगैरह में जो अपने फिगर करवा कर, तो वो इस ज़ुमरे में नहीं आते हैं, ये क्लियर कर दूं मैं। टोटल रिपोर्ट अगर चेक करेंगे तो आपको 16,606 अफराद की ये पिछले 6 दिनों में पकड़े गए हैं। इनमें निज़ाम मुखालफा निज़ाम अल इकामा जिन बंदों के इकामे वगैरह एक्सपायर थे उनकी सुन लीजिए, 9,895 10,000 बंदे तकरीबन इकामा एक्सपायर वाले पकड़े गए इस वीक में, और मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद वाले हैं 4,422 एंड मुखालफा निज़ाम अल अमल यानी कि जैसा कि साए खान अमल मंत्री मैंने बता दिया है, मैं ना गौर है कफील के साथ नहीं है, बाहर कहीं काम किए जा रहे हैं, वो 2,299 अफराद 2,290 बोल रहे हैं। तो ये एक वीकली रिपोर्ट थी, और अगर आपका हरूब या इकामा एक्सपायर है खुदा न खवास्ता तो आप भाई फाइनल एग्जिट के तौर पर सफारा में चले जाएं, एक बेहतरीन ऑप्शन है, और इकामा एक्सपायर वाले शिरका रेड हो सफारा में अगर जाकर पेपर जमा करवा देते हैं, हाँ कुछ माह लग जाते हैं लेकिन क्लियर खरूज लगता है और उस खरूज के ऊपर आप दोबारा जा भी सकते हैं, यानी कि न्यू वीज़ा लेकर आप दोबारा जा भी सकते हैं।